हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। आपने आलू स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा तो बहुत बारी खाया होगा, लेकिन इस बार मैं आपके साथ कुछ एक अलग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल हेमास कुकिंग डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कप बेसन लिया है। एक कप बेसन में अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें नमक, और कलर के लिए डाल देंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, और डाल देंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आधी छोटी चम्मच के करीब, और इन चीज़ों को मिला लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा घोल बना लेंगे। आपको ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला होगा तो ब्रेड के ऊपर अच्छे से कोट नहीं होगा, और अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपका जो ब्रेड है उसके ऊपर बेसन की लेयर थोड़ी गाढ़ी रहेगी तो वो कच्ची रह सकती है। इसलिए यहाँ पर अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्च लिया है, इनको इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, और डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और डाल देंगे हम इसमें आधे चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इन सारे मसालों को सब्जियों में मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ में हमने अच्छे से मसाले मिला लिए हैं, इनको अब हम साइड में रखते हैं। और अब हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके कॉर्नर्स को मैंने, साइड्स को मैंने कट करके नहीं अलग किया है, इनको मैंने यहीं पर रहने दिया। इसके साथ ही हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। और अब एक साइड में हम एक स्लाइस में लगा देंगे मेयोनेज। अगर आपके पास मेयोनेज नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, या आप हरी चटनी लगा सकते हैं, या आप इमली की चटनी लगा सकते हैं। कोई भी सॉस जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। और अब दूसरे स्लाइस में मैं यहाँ पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ। अच्छे से यहाँ पे मैंने सॉस को लगा लिया है। और अब जो हमने सब्जियों को मसाले में कोट किया था उन सब्जियों को हम इस ब्रेड के ऊपर रख देते हैं। अच्छे से फैलाते हुए रख देंगे इसे। और अब दूसरी जो स्लाइस है ब्रेड की उसे इसके ऊपर से हम कवर कर देंगे, और अच्छे से थोड़ा सा दबा लें ताकि सारे सब्जियाँ एक समान पैक हो जाए। और अब यहाँ पर हम ब्रेड को कट करेंगे। आप चाहे तो इसे बेसन में डिप करने के बाद, जब वो डीप फ्राई हो जाए उसके बाद भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें पहले ही कट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इन्हें ट्रायंगल पीसेस में कट कर लिया है, दो पीसेस में मैंने यहाँ पे कट किया। आप चाहे तो इसे और एक बार ट्रायंगल पीसेस में कट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने बेसन का बैटर बनाया था इसमें हम इसे डिप कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे चारों तरफ से। और अब हम इसे तेल में डीप फ्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप तेल मीडियम गरम ले, और जब आप ब्रेड डाल ले उसके बाद आप फ्लेम को थोड़ा लो पर कर दें, ताकि जब तक आप दूसरा ब्रेड डालें तब तक आपका पहले वाला ब्रेड जो है वो जल ना जाए। इसलिए यहाँ पर फ्लेम को लो कर दें, और दूसरे ब्रेड के स्लाइस को भी हम अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन में, और इसे अब हम तेल में डाल देते हैं। और अब जब दोनों स्लाइसेस आप तेल में डाल लें तब आप फ्लेम को मीडियम पर कर दें, और अब आप इस तरीके से तेल उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहे ताकि जो ऊपर की लेयर वो भी अच्छे से पकते रहे। और अब हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक, या फिर आपके मन चाहे कलर आने तक, इस तरीके से हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। एक एक करके इन स्लाइसेस को हम पलट लेते हैं ब्रेड पकौड़ों को। यहाँ पर इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और अब हम नीचे के साइड को भी अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये ब्रेड पकौड़ा रेडी है। इसे हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं, और अब हम बाकी के जो ब्रेड पकौड़े हैं उनको भी इस तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस ब्रेड के पीस को आप देख सकते हैं ऐसे रेक्टेंगल शेप में काटा है। जो मेन बड़ी वाली ब्रेड है उसको आप बीच में से इस तरीके से कट कर दे तो आपको इस तरीके से दो रेक्टेंगल पीसेस मिल जाएंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इन ब्रेड पकौड़ों को कट कर सकते हैं। शेप चाहे जो भी हो, आपको टेस्ट तो वही मज़ेदार मिलने वाला है। बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड पकौड़ा बनता है। आपने बहुत टाइम से आलू स्टफ वाली ब्रेड पकौड़ी खाई होगी, लेकिन इस बार आप इस तरीके से बना करके खाए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको भी रेडी कर लिया है, और अब जो बाकी के भी ब्रेड पकौड़े उनको भी हम सेम इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे।
जब आप पहले आलू स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा बनाते थे, उसके लिए आपको उसकी अंदर की स्टफिंग, आलू की स्टफिंग तैयारी करने में ही बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन ये जो न्यू तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तुरंत आप इसे झटपट बना सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं इंस्टेंट ब्रेड पकौड़ा बिना आलू की स्टफिंग के साथ। हमने सब्जियों को काटा, तुरंत ही मसाले में मिक्स किया और ब्रेड के ऊपर रख के बेसन के बैटर में इस तरीके से कोट करके डीप फ्राई कर लिया और हमारा झटपट बेसन पकौड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंटली ये ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसे कट करके आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पर अंदर के साइड भी आप देख सकते हैं। और आप इसे टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे बिना सॉस के भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने ब्रेड के स्लाइस पे टोमेटो केचप पहले से ही लगाई हुई है। तो अब आपकी मर्जी, आप इसे किस तरीके से खाना चाहते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये ब्रेड पकौड़ा बनता है। तो आप भी अपने घर पर इस न्यू स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा को ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी अच्छे रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।